है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आज हम व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से पहले ही मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ और उससे पहले मेरा पीयूटी चल रहा था, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो एग्ज़ाम का माहौल था, इसलिए व्लॉग बनाना मैं ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि पढ़ाई कर लेता हूँ सोचा थोड़ा, नहीं तो फिर अगर बैग वक लग जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग स्टार्ट किए। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे ये हमारा जुपिटर से मैंने कार्ड मंगवाया था, डेबिट कार्ड। इससे पहले मेरे पास मेरा ये मेरे पास फाई का भी एक कार्ड है, मेरे पास है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, जो कि इसके बाद जुपिटर वाले के बाद आपको दिख जाएगी, लेकिन जो अनबॉक्सिंग प्लेजर था ना, इसका गजब था। मतलब ये खुलेगा ऐसे, फिर उसके बाद इसी में कार्ड है, फिर उसके बाद एक स्कैनर था, इसको स्कैन करके दे दीजिए फिर सही हो जाएगा, मतलब कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हम लोग का कार्ड है और जुपिटर की तरफ से, तो बहुत दिनों के बाद खैर आया। चलिए तो फिर इसको देखते हैं। तो ये है कुछ हमारा जुपिटर का ये कार्ड, और ये यहाँ पे इसकी सील है। अब इसकी सील को एक मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अभी ये हट गई, तो कुछ ऐसा है, सील हटा दिया मैंने ये प्लास्टिक का। लेकिन जो अनबॉक्सिंग का मज़ा इसमें आया था, फाई वाले में और किसी में नहीं आया अब तक, क्या अनबॉक्सिंग प्लेजर था इसका। इसका कार्ड का केस भी बहुत अच्छा है, जो इसी में करके आया था। इसको स्लाइड कीजिए, अरे ये मेरा QR, यही QR से एक्टिवेट होता है। तो इसको निकाल लेते हैं। इसमें उतना मज़ा नहीं है, इसको निकालने में बहुत थोड़ा मेहनत कीजिए तभी निकलेगा ये, ऐसे नहीं। नहीं तो फाई वाला बहुत बढ़िया था। तो इसके अंदर से कुछ ऐसा हमारा डेबिट कार्ड इसी में है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं और ये कुछ कूल स्टिकर्स हैं, जो कि काफ़ी कूल हैं। मेरे फ़ोन में भी यही स्टिकर्स लगे हैं फाई के, जो इसके साथ भी स्टिकर्स मिले थे वो मेरे में लगे हैं, लेकिन इसका कार्ड बहुत अच्छा है। फाई में हमें और जुपिटर में हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, कि इन दोनों में वीज़ा का कार्ड मिलता है और इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है कोई भी पर ट्रांजैक्शंस पे, बाकी सब पे थोड़ा रहता है। तो ये कुछ ऐसा इसका इंफॉर्मेशन। और कार्ड कहाँ है, वो कार्ड पीछे। तो ये रहा कार्ड। तो कुछ इसके इंफॉर्मेशन कार्ड के बारे में, और यहाँ पे मेरा नाम, और इसको मैं उखाड़ने के बाद आपसे कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज, ये रहा कुछ मेरा जुपिटर का कार्ड, जो कि अभी मैंने उल्टा पकड़ा है, लेकिन ये पीछे इसका कोड स्कैनर ऐसा है, ब्लैक कलर का नहीं है, सिल्वर में है। और ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे मेरा फाई का, अच्छा लग रहा है दोनों, लेकिन इसको निकालने में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा नहीं था। तो अनबॉक्सिंग प्लेजर के बारे में देखा जाए तो बढ़िया, मैं फाई ही को रेकमेंड करूँगा,
मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी। तो 5 का बहुत सही है, लेकिन हाँ जुपिटर में थोड़ा सा इसका, हाँ एक तरीके से ठीक ही है, खोलने में बस जुपिटर को थोड़ा दिक्कत होगा, जुपिटर का अकाउंट। 5 में कुछ दिक्कत नहीं हुआ हमें, और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कार्ड बहुत अच्छा है, और वीज़ा का है दोनों कार्ड, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वीज़ा का कार्ड मिल गया। वैसे मेरे पास रुपए का भी एक कार्ड है, रुपए का एक मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, जो कि उसको मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ। कार्ड तो बहुत सारे ले लिए, लेकिन बैंक में बैलेंस ही नहीं है। अच्छा तो ये था कुछ अनबॉक्सिंग इसका, और हो सके तो हम इन दोनों वीडियो के बीच में ही या तो उसे जो 5 वाला है उसे हम डालेंगे, या तो फिर अगला एक वीडियो बना के उसमें डालेंगे, क्योंकि वो वीडियो तो पड़ा ही है, और इसमें डालेंगे तो शायद ज़्यादा लंबा खिंच जाए। तो अब से व्लॉग्स रेगुलर आना चालू हो जाएंगे, और व्लॉग्स मैं बनाऊंगा रोज, और मैं पोस्ट भी करूंगा, दिखाऊंगा क्या अभी चल रहा है। अभी तो यार छुट्टी चल रही है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।